विश्व विजेता वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम हुई बड़े उलटफेर का शिकार। पहले ही मैच में कमजोर माने जाने वाली टीम स्कॉटलैंड से हार गई। इस मैच में स्कॉटलैंड की टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए वेस्ट इंडीज को 42 रनों से हरा दिया। इस मैच में वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में स्कॉटलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाई। स्कॉटलैंड की तरफ से मुंसे ने 66 रनों की शानदार पारी खेली और साथ ही में कॉलम मैकलोड ने 23 रन और माइकल जोन्स ने 20 रनों की पारी खेली। वेस्ट इंडीज की तरफ से जेसन होल्डर, अलजराई जोसेफ ने 2-2 विकेट लिया और ओडेन स्मिथ ने 1 विकेट लिया। जवाब में दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज की टीम 161 रनों का लक्ष्य पूरा करने के लिए उतरी और महज 118 रनों पर ऑल आउट हो गई। स्कॉटलैंड की तरफ से मार्क वाट ने 3 विकेट और ब्रेंड विल तथा लिस्क ने 2-2 विकेट लिया और डेबली और शारिफ ने 1-1 विकेट लिया। इस तरह से यह मुकाबला बड़ा उलटफेर करते हुए स्कॉटलैंड की टीम ने 42 रनों से जीत लिया। और आगे आने वाले T20 के मुकाबले में सभी बड़ी टीमें सावधान हो गई हैं, क्योंकि किसी भी टीम के साथ उलटफेर हो सकता है। इससे पहले भी नामीबिया की क्रिकेट टीम ने श्रीलंका जैसी स्टार क्रिकेट टीम को हरा दिया था इसी T20 वर्ल्ड कप में। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।